एवरीवन, आई एम मनीषा, वेलकम टू इंडियन मेंटर्स। स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। ओके, सो इसमें जो भी चैप्टर्स हमें कवर करने हैं उसका एक बार हम शॉर्ट में ओवरव्यू देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे देखिए, इसमें 5 यूनिट्स आ जाएंगे, जो कि सबसे फर्स्ट यूनिट है रिप्रोडक्शन पे बेस्ड। ओके, अब रिप्रोडक्शन में इसमें 4 चैप्टर्स आ जाएंगे। सबसे फर्स्ट चैप्टर क्या बोलता है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। सबसे फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिजम्स में जो रिप्रोडक्शन होते हैं उसके बारे में। ओके, और सेकेंड चैप्टर अब क्या आ जाएगा, सेकेंड चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, अब जो फ्लावरिंग प्लांट्स को ही क्या बोला जाता है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, उसमें जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। थर्ड चैप्टर बेस्ड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होगा उसके बारे में फर्दर हम गो थ्रू करेंगे। एंड लास्ट वन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ओके, लास्ट वन क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ही रिलेटेड चैप्टर है ये। ओके, अब जो सेकेंड यूनिट आ जाएगा, इस तरह से फर्स्ट यूनिट खत्म होता है यहाँ पर, सेकेंड यूनिट क्या पढ़ेंगे हम, जेनेटिक्स के बारे में। ओके, जेनेटिक्स में क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ओके, जो भी इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि इनहेरिट होते हैं कोई भी कैरेक्टर्स और उसके कारण जो वेरिएशंस आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक चैप्टर है, ये दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सिक्स चैप्टर क्या आ जाएगा, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिकुलर बेसिस में इनहेरिटेंस जो कि जो कैरेक्टर जो कि इनहेरिट हो रहे थे उसके बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है, ठीक है, कि कौन से कैरेक्टर्स इस वाले चैप्टर में जो कि इनहेरिट हो रहे थे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट जेनेटिक मटेरियल, कोई ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इनहेरिट होते हैं, और वो जेनेटिक मटेरियल क्या है, वो है डीएनए। तो इस चैप्टर में हमें डीएनए के बारे में ही पढ़ना है, जो कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ठीक है। और लास्ट जो कि इसमें चैप्टर आ जाएगा, दैट इज व्हाट एवोल्यूशन, ठीक है। अब जो थर्ड यूनिट आएगा, थर्ड यूनिट क्या है, बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, ह्यूमन वेलफेयर में जो बायोलॉजी है उसके बारे में, जो कि चैप्टर 8 में आ जाएगा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, मेनी डिजीजेज के बारे में यहाँ पर हम जानेंगे, ठीक है। अब क्या आ रहा है चैप्टर 9 में, स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। ओके, मीन्स फूड प्रोडक्शन करने के लिए, फूड प्रोडक्शन में एनहेंसमेंट करने के लिए जो भी स्ट्रेटजीज यहाँ पर लगते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है, चैप्टर 9 में। अब आ जाएगा यहाँ पर चैप्टर 10, दैट इज व्हाट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, मींस ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो भी माइक्रोब्स यहाँ पर यूज होते हैं इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में, तो उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला भी, और ये जो चैप्टर 6 है वो भी, ठीक है। अब आ जाएगा यूनिट 4th। यूनिट 4th में क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। ये वाला जो यूनिट है वो आपके लिए भी न्यू है, ठीक है। इसमें इसीलिए काफी बेसिक से स्टार्ट किया गया है, बहुत ही बेसिक बताया जाएगा। इसमें 2 चैप्टर्स आ जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे से रिलेटेड है चैप्टर ये। दोनों चैप्टर्स में क्या आ जाएगा, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया गया, दैट इज व्हाट प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। उसमें क्या बताया गया है, प्रिंसिपल के बारे में और प्रोसेसेस के बारे में, उसका चैप्टर 12th में, ठीक है, चैप्टर 11 में, सॉरी। अब चैप्टर 12 में क्या बताया गया, बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशन, इसी को कहां पे अप्लाई किया जाता है, उन सारे एप्लीकेशंस के बारे में हम इस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट जो कि यूनिट है आपका, दैट इज व्हाट इकोलॉजी। इसमें भी फर्दर 4 चैप्टर्स आ रहे हैं। इसमें 13 चैप्टर में आएगा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, 14 चैप्टर में आ जाएगा इकोसिस्टम्स के बारे में, और 15th में आ जाएगा बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, ठीक है, बायोडायवर्सिटी और उसको कंजर्व कैसे किया जाए उसके बारे में जानेंगे हम। और 16 चैप्टर जो कि है एनवायरमेंटल इश्यूज, जो कि जो भी एनवायरमेंटल इश्यूज यहाँ पर क्रिएट हो रहे हैं उन इश्यूज के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, ठीक है। तो इस तरह से सीक्वेंस में हम यूनिट बाय यूनिट, स्टेप बाय स्टेप सारे चैप्टर्स को हम कवर करने वाले हैं इस वाली क्लास में।